हेलो फ्रेंड्स, दीपक ईडी वर्ल्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, और आज के इस एमएस वर्ड के वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट मेन्यू में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, पिक्चर एंड क्लिप आर्ट ऑप्शन का यूज करना। टेबल हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इसका लिंक वीडियो के नीचे भी मैंने दिया हुआ है, आप वहां से कंप्लीट टेबल सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे कैसे इन सभी ऑप्शंस का यूज करेंगे। उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारियां, अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे चैनल से एडवांस एक्सेल, एडवांस वेब डिजाइनिंग भी सीख सकते हो, कंप्यूटर और विंडोज की टेक्निकल हेल्प भी आप प्राप्त कर सकते हो। किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आप हमें कॉमेंट्स में लिखिए, मैसेज कीजिए, जल्दी से जल्दी आपकी सहायता की जाएगी। दोस्तों, चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिए, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू। तो सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कवर पेज ऐड कर सकते हैं। जैसे देखते हो ना, बुक्स आप देखते हो, बुक्स में जो पहला पेज होता है, जो बाहर से आपको दिखता है फ्रंट पेज, वो कवर पेज होता है। तो चलिए मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल के साथ ट्रैक बॉल घुमाइए माउस से, तो पेज छोटा या बड़ा आप कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है। इसको कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी से मैं कई बार इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास पेजेस कुछ ज़्यादा आ जाए। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा और छोटा कर लिया, ये देखिए यहाँ सभी पेजेस हैं। अब मान लीजिए मेरे को एक कवर पेज ऐड करना है, कवर पेज, मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि करूँगा तो पता नहीं चलेगा आपको थोड़ा ढंग से, तो मैंने छोटा करके रखा हुआ है। ओके, कवर पेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ बिल्ट इन, मतलब पहले से ही बने बनाए कवर पेज आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ये कुछ एमएस वर्ड ने आपको सजेस्ट की हुई हैं, इनमें से आप देख सकते हो, अदरवाइज अपना भी बना सकते हो। अपना आप केवल तभी बना पाओगे तब आप ये शेप, स्मार्ट आर्ट वगैरह ऑप्शन, पिक्चर क्लिप आर्ट कैसे ऐड करते हैं ये सीख पाओगे। चलिए फिलहाल आज हम यूज करेंगे ऑलरेडी बने बनाए बिल्ट इन जो होते हैं कवर पेज, इनमें से ही यूज करेंगे। तो कोई एक फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया, इस पर क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ये पहले पेज पे लगेगा आपका। अपने आप कवर पेज हमेशा फर्स्ट पेज होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पे ही ऐड होगा, चाहे कर्जर आपने कहीं भी क्लिक किया होगा, अगर आप कवर पेज ऐड करोगे तो वो फ्रंट पे ही ऐड होगा। तो ये ऐड हो गया। अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ पेज को, ये देखिए। तो ये आपका कवर पेज इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ईयर पिक कर सकते हो आप क्लिक करके, ये कर लिया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड की बुक है, कोई भी टाइटल आप दे सकते हो अपने बुक्स का, जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी है, एमएस वर्ड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओके, उसके बाद नीचे एक पिक्चर दे रखी है ट्रेन की, आप इसका पिक्चर का हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो इस तरह से। ज़्यादा आप कर पाओगे अगर आप पिक्चर या क्लिप आर्ट ऑप्शन सीख लोगे उसके बाद। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हो, ऑथर वगैरह, डेट वगैरह जो भी होगी। तो मतलब कहने का ये है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ्रंट पेज ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट पेज जिसको हम कवर पेज बोलते हैं। इससे हमारा डॉक्यूमेंट का जो लुक है वो प्रोफेशनल हो जाता है, एक अच्छा हो जाता है। अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो, अगर हम प्रिंट निकालते हैं डॉक्यूमेंट्स का ब्लैक एंड व्हाइट, अगर पहले पेज को हम कलर निकाल लें तो हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी अच्छा लगेगा जो हमने प्रिंट्स निकाला है। चलिए, तो बाकी फॉर्मेट आप यहाँ से ले सकते हो, आप ट्राई कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। मान लीजिए इस तरह का सिंपल सा चाहिए, क्लिक कर दीजिए, ये देखिए एमएस वर्ड 2017, जो भी लिखना है इस तरह से आप कवर पेज ऐड कर सकते हो। हटाना हो तो आप यहाँ पे जाके नीचे रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करके आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अभी दोस्तों ये पहले से ही बने बनाए फॉर्मेट यहाँ पे हैं, आगे जब हम इनको पढ़ेंगे से पिक्चर क्लिप आर्ट, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज में आती हैं, तो उनकी हेल्प से हम अपना खुद का फॉर्मेट बना के भी इस ऑप्शन के अंदर रख सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। फिलहाल चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ब्लैंक पेज, खाली पेज। जहां भी आपको खाली पेज लेना है वहां पे कर्जर आप रख लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे कर्जर रखता हूँ, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं कर्जर रखता हूँ इस डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैंने क्लिक कर दिया ब्लैंक पेज पे। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये खाली पेज ऐड हो गया है, और जो मैटर था वो थर्ड पेज पे चला गया है। ये है ब्लैंक पेज का काम। जहां भी आपको खाली पेज चाहिए वहां आप क्लिक कर लीजिए और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए, वहां आपका खाली पेज ऐड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ चाहिए मेरे को, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए खाली पेज ऐड हो गया है। ये तो होता है ब्लैंक पेज का काम, और जो मैटर होता है ना नीचे वाला, वो थर्ड पेज पे चला गया है। अब हम बात करते हैं, एक ऑप्शन और है यहाँ पे पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक से क्या होगा, एक बार मैं इसको अंडू कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ओके,
पेज ब्रेक से क्या होगा, पेज को हम तोड़ सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कर्जर यहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ, और आप क्या करते हो, पेज ब्रेक पे क्लिक कर देते हो, तो क्या हुआ, यहाँ जो नीचे लिखा था ना, वो आपका कहाँ चला गया, अगले पेज पे, अगले पेज पे चला गया है। ये आप कर सकते हो कंट्रोल के साथ एंटर दबा के भी आप कर सकते हो, शॉर्टकट तरीका है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पेज ब्रेक करता हूँ, तो मैंने कंट्रोल के साथ एंटर दबाया कीबोर्ड से, ये हो गया पेज ब्रेक। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये देखिए। मान लीजिए मुझे पेज ब्रेक करना है कहाँ से, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से कर्जर यहाँ रख दिया मैंने, और उसके बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर, ये देखिए यू कैन ईजली, ये आगे से यहाँ से स्टार्ट है, मैंने कर्जर यहाँ पे रखा और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए हम चले गए, ये पेज खाली हो गया नीचे से, कहाँ चला गया टेक्स्ट आपका, अगले पेज पे। तो ये होता है पेज ब्रेक का काम। तो इस तरह से वर्क करते हैं तीनों ऑप्शन दोस्तों। अब हम देखेंगे पिक्चर किस तरह से काम करेगा। तो डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर ऐड करनी हो तो हम यूज करेंगे पिक्चर ऑप्शन। जैसे मान लीजिए मैंने कर्जर रखा यहाँ पे, क्योंकि जहां पे कर्जर होगा वहीं पे पिक्चर ऐड होगी। कर्जर रखा यहाँ पे और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक किया तो एक विंडो खुल गई, इंसर्ट पिक्चर। अब आप देख लीजिए कहाँ से पिक्चर लेनी है आपको, और पिक्चर पे जाके राइट क्लिक कर दीजिए या फिर डबल क्लिक कर दीजिए, तो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। अब आपकी जो पिक्चर है वो ओरिजिनल साइज में आएगी, अगर बड़ी साइज की पिक्चर है तो बड़ी साइज की दिखाई देगी, अगर आपका कोई छोटा सा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करते हैं तो वो छोटा सा ही आता आपका यहाँ पे। अब इस पिक्चर का साइज आप सेट कर सकते हो, क्योंकि पिक्चर से बाहर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई डॉट आपको कॉर्नर्स पे, मिडिल्स पे दिखाई नहीं दे रहे। पिक्चर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कुछ मार्क आ जाते हैं, देखिए डॉट्स से आ जाते हैं कुछ, आप इनको पकड़ के पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इसको मैंने पकड़ा और लेफ्ट की तरफ इसको ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही मैंने इसको नीचे से पकड़ा और ऊपर की तरफ मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये पिक्चर का साइज आप रिसाइज कर सकते हो इस तरह से, कॉर्नर से कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इनको पकड़ के। एक बात और है दोस्तों, आप जब पिक्चर पे क्लिक, अभी देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, व्यू, अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो एक और आ गया फॉर्मेट का, ये केवल तभी आएगा जब पिक्चर को आप सेलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे पिक्चर पे, क्योंकि ये सभी ऑप्शन केवल पिक्चर पे ही काम करेंगे। ये सभी ऑप्शन में डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। बाहर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चला गया, क्लिक किया पिक्चर पे, फॉर्मेट आ गया। चलिए अब हम देखते हैं एक एक करके ये सभी ऑप्शन कैसे यूज में आएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है रिमूव बैकग्राउंड, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपकी जो टेबल है उसका जो बैकग्राउंड एरिया होगा उसको अपने आप रिमूव कर देगा ऑटोमेटिक। अगर अब ये देखिए कलर से हाईलाइट होके आपको दिख रहा है कि ये एरिया यहाँ से रिमूव होना है, आपको चाहिए तो आप कीप चेंजेस कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये आपका जो पिक्चर है दिखाई देगी, अगर आपको वापस लाना है तो आप क्लिक करिए, वापस क्लिक करिए रिमूव बैकग्राउंड पे और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर दीजिए, तो वो वापस आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है करेक्शंस, इससे क्या होगा कि आप अपनी पिक्चर की जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से, तो मैंने ये वाला ले लिया, ये देखिए पिक्चर आपकी ज़्यादा लाइट हो गई है। कलर, आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो, कौन से कलर में आपको पिक्चर दिखानी है, मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, ये देखिए आगे इसमें कुछ इफेक्ट और दे रखे हैं कि आप अलग से और इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपनी पिक्चर में। मान लीजिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ले लिया ये वाला। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे, ये है कंप्रेस पिक्चर। दोस्तों आपने वीडियो कंप्रेस किए हो तो कंप्रेस करने का मतलब होता है कि मेमोरी साइज रिड्यूस करना। अगर ये पिक्चर आपकी 4 MB की होती तो डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ेगा, हम इस पिक्चर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट का साइज छोटा रहे और हमें शेयर करने में डॉक्यूमेंट को दिक्कत ना हो। तो कंप्रेस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से कितने पिक्सल का हमें चाहिए, 220 पिक्सल, 150 पिक्सल, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे, तो वो उतने साइज का यहाँ पे जो मेमोरी साइज रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, जो मेमोरी साइज होगा पिक्चर का वो रिड्यूस हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है चेंज पिक्चर, अगर आपको ये पिक्चर रिप्लेस करनी है तो आप इसको चेंज पिक्चर पे क्लिक करके किसी दूसरी पिक्चर से रिप्लेस कर सकते हो। मान लीजिए मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली, राइट क्लिक करके सेलेक्ट या डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ली और इस पे कलर वगैरह लगा दिया फिर से कोई, और कोई इफेक्ट लगा दिया इस पे। अब एक ऑप्शन और देखा है रीसेट का, इसका मतलब पिक्चर पे जो भी ग्राफिक्स आप यहाँ से लगाते हो, कलर, साइज, इफेक्ट वगैरह, वो सभी हटाना है, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए रीसेट पिक्चर, क्लिक करते ही वो आपका जो स्टाइल वगैरह लगाया होगा यहाँ से वो सभी हट जाएगा, पिक्चर नॉर्मल आ जाएगी आपकी। ये तो थे एडजस्ट ब्लॉक के अंदर ऑप्शन सभी। अब हम देखते हैं पिक्चर का जो स्टाइल होता है, इसके अंदर कुछ अलग से ऑप्शंस दे रखे हैं।
जैसे आप यहाँ से देखोगे पिक्चर का डिजाइन आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल दे रखे हैं यहाँ पे। यहाँ से सभी स्टाइल आप ओपन भी कर सकते हो। ये देखिए सर्कल में चाहिए पिक्चर, सर्कल में आ जाएगी, 3D में चाहिए, 3D में आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है ना। तो उसके बाद पिक्चर में बॉर्डर भी आप लगा सकते हो। ये देखिए नीचे आपको दिखाई देगा क्योंकि ये 3D में है पिक्चर। मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। ओके ठीक है, पिक्चर बॉर्डर मतलब चारों तरफ बॉर्डर लगाना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हो। देखिए रेड कलर में आ रहा है। अगर बॉर्डर की जो लाइन है उसका वेट कम या ज़्यादा करना है तो आप बॉर्डर ऑप्शन के नीचे ही जाओगे, पिक्चर बॉर्डर में नीचे, और वेट मिलेगा, यहाँ से आप बॉर्डर कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए उसके बाद अगर बॉर्डर हटाना है, ये जो है आपका पिक्चर पे लगा हुआ है, तो आप नो आउटलाइन कर सकते हो, ये बॉर्डर आपका हट जाएगा। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, आप यहाँ क्लिक करके पिक्चर पे कुछ अलग से इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ये देखिए पिक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपका दिखाई देगा नीचे की तरफ। ये देखिए 3D में आपको कैसी दिखाई देगी, ये फॉर्मेट आप यहाँ से ले लीजिए, कैसा लेना आपको, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इन सबको आप करके देखते रहिए। उसके बाद आता है आपका आगे, मान लीजिए मैंने अगर कोई इफेक्ट लगाया भी हुआ है, जैसे ये लगाया हुआ है, मुझे चाहिए नॉर्मल, तो आप यहाँ पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आपने 3D लगाया तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्लिक कर सकते हो नो रोटेशन, आप क्लिक कर दीजिए, सिंपल पिक्चर आ जाएगी। आगे दे रखा है पिक्चर का लेआउट, मतलब क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, ये अलग अलग डिजाइन है। ये देखिए आप यहाँ पे पिक्चर के साथ अलग से कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो लिखने के लिए। तो ये आपका एमएस वर्ड 2010 के अंदर या अबव वर्जन के अंदर नया फीचर है, जिसमें आप पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी लिख सकते हो। ओके उसके बाद है पोजीशन। इससे क्या होगा कि हम पिक्चर की पोजीशन सेट कर सकते हैं कि पेज में ये कहाँ पे रखनी है। मान लीजिए मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि कंप्लीट पेज आपको दिख जाए। ये देखिए और हम चले पिक्चर पे क्लिक करके पोजीशन पे। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी पिक्चर टॉप में लेफ्ट में दिखाई देगी, यहाँ पे बॉटम पे दिखाई देगी लेफ्ट में, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में पिक्चर रहेगी पेज में, यहाँ पे राइट में बॉटम पे पिक्चर रहेगी। तो ये पोजीशन है कहाँ आपको सेट करनी है, क्लिक कर दीजिए वहीं पे पिक्चर सेट हो जाएगी। उसके बाद आता है रैपिंग टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पिक्चर के आर पार इधर उधर जो टेक्स्ट होता है वो किस तरह से आपको दिखाना है। चलिए काम करते हैं, इस पिक्चर को मैं डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करके डिलीट बटन दबा दिया कीबोर्ड से। और उसके बाद आप मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर आपको ऐड करनी है, यहाँ पे क्लिक किया आपने और इंसर्ट पे जाके आपने पिक्चर पे क्लिक कर लिया, तो कोई भी पिक्चर आप ले लीजिए। मान लीजिए पिक्चर ऐड कर दी मैंने, इसका साइज मैंने छोटा कर दिया ये। अभी हम रैपिंग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपने किस तरह से टेक्स्ट को दिखाना है पिक्चर के चारों तरफ, वो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट मतलब लाइन में ही दिखाई देगी क्योंकि हमने लाइन में पिक्चर को ऐड किया हुआ है। स्केयर करेंगे चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा, टाइट करेंगे थोड़ा टेक्स्ट नजदीक आ जाएगा। इसमें ये सभी फॉर्मेट है, टॉप एंड बॉटम से ऊपर या नीचे टेक्स्ट दिखाई देगा, टेक्स्ट बिहाइंड मतलब बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर आपको दिखाई देगी, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो इस तरह से काम करते हैं ये सभी ऑप्शंस। उसके बाद जो ऑप्शन आगे आते हैं वो है सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन। ये सभी ऑप्शंस दोस्तों सेप पे काम करेंगे, सेप्स जब आगे हम यूज करेंगे इंसर्ट में सेप्स, तो तब हम इनका यूज करेंगे क्योंकि ये सभी ऑप्शंस सेप पे ही काम करते हैं। फिलहाल हम सेप नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं पिक्चर। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है क्रॉप, इसका मतलब ये होगा कि पिक्चर आपके पास बड़ी होती है, उसमें से कुछ एरिया आपको चाहिए, तो क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसमें से जो एरिया चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद वापस क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, तो वो एरिया आपने जो सिलेक्ट किया होगा केवल वो आपका पिक्चर में दिखाई देगा। ओके उसके बाद लास्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपका यहाँ पे हाइट एंड विड्थ। देखिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ तो लिखा आ रहा है सेफ हाइट, पिक्चर हाइट नहीं आ रहा लिखा हुआ, सेफ हाइट, क्योंकि हम यहाँ पे जो हाइट एंड विड्थ यूज करेंगे वो सेप पे काम करेंगे, पिक्चर पे काम नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ तो विड्थ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये ऑप्शन सभी काम करेंगे सेप्स पे। तो दोस्तों इस तरह से हम यूज करते हैं इस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जो सभी ऑप्शन हैं पिक्चर्स के लिए जो काम में आते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन लास्ट आज के वीडियो का क्लिप आर्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लिप आर्ट से हम पिक्चर ले सकते हैं, क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट पे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका एक विंडो ओपन हो जाती है,
यहाँ पे हमें किसी भी टॉपिक की कोई पिक्चर सर्च करनी हो तो वो हम यहाँ पे सर्च करके आसानी से ले सकते हैं। एमएस वर्ड की खुद की डिक्शनरी है जहाँ से ये पिक्चर सर्च करके हमें देगा। कंप्यूटर की पिक्चर सर्च करनी है, कंप्यूटर लिखा, गो पे क्लिक किया, देखिए कंप्यूटर की कुछ पिक्चर्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो इनमें से आप पिक्चर्स यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हो। कई बार होता है ना कि हमारे पीसी के अंदर हमें पिक्चर्स नहीं मिल रही, तो कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर क्लिप आर्ट में आप सर्च कर सकते हो। या दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो पिक्चर यूज करते हो इससे तो हम कंप्यूटर के अंदर से कहीं से भी पिक्चर ला के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लोकल डिस्क, सी डी ई, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड कहीं से भी ला सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स है ही नहीं तो हम क्लिप आर्ट से ले सकते हैं। फिर क्लिप आर्ट के अंदर कुछ पिक्चर्स हैं वहां से हम ले सकते हैं स्टडी पर्पज के लिए। ये कुछ इस तरह से यूज किया गया क्लिप आर्ट, जैसे हम कोई नया फोन परचेज करते हैं ना तो उसमें हमें कुछ वॉलपेपर्स पहले से ही मिलते हैं। हमारे पास पिक्चर्स नहीं है तो अभी हम वॉलपेपर से काम चलाएंगे। तो वही है, यहाँ पे आपके पास एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के अंदर कुछ क्लिप आर्ट्स में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स नहीं है तो आप क्लिप आर्ट से पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो काम चलाने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए। बाकी आप पिक्चर क्लिप आर्ट से लीजिए या फिर पिक्चर ऑप्शन से लीजिए, ऑप्शन सभी सेम आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने कर्जर यहाँ रखा हुआ है, इस पिक्चर पे क्लिक कर दिया, ये पिक्चर हो गई एड। इस पे मैं जब भी क्लिक करूंगा वही सेम ऑप्शन आएंगे जो अभी मैंने आपको कराई है, क्योंकि है तो ये भी पिक्चर ऐड करने का तरीका अलग है। दोस्तों पिक्चर क्लिप आर्ट में डिफरेंस बस यही है कि पिक्चर से हम कंप्यूटर के अंदर से कहीं से भी पिक्चर ला सकते हैं, और क्लिप आर्ट एमएस वर्ड की खुद की डिक्शनरी में से कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं वहां से हम यूज कर सकते हैं पिक्चर्स, इन केस हमारे कंप्यूटर के अंदर पिक्चर्स नहीं होती हैं तो। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक ईडीयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास समय पे आती रहे और आप उनको देखते रहो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।